गुजरात की चुनावी राजनीति में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। 24 साल के नौजवान नेता हार्दिक पटेल की एक सीडी वायरल हो गई है, जिसमें कथित तौर पर हार्दिक पटेल एक कमरे में एक महिला के साथ दिख रहे हैं। हार्दिक ने सीडी जारी होने के बाद कहा है कि मैंने पहले भी कहा था कि इन लोगों का मास्टर प्लान गंदी राजनीति की ओर चलता जा रहा है, ये सब चलता रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी, जिसको जो करना है कर ले। बता दें कि ये सीडी तब आई है जब हार्दिक अपनी टीम के साथ ये फैसला करने के लिए बैठक करने वाले हैं कि कांग्रेस के साथ चुनाव में क्या संबंध रखने हैं। होटल में रिकॉर्ड हुए लगभग 4 मिनट की यह सीडी 16 मई 2017 की है और वीडियो में एक व्यक्ति जो एक अज्ञात महिला के साथ हार्दिक पटेल जैसा दिखाई दे रहा है। अक्टूबर महीने में एक सीसीटीवी फुटेज भी लीक हुई थी जिसमें यह दिखाया गया था कि हार्दिक पटेल अहमदाबाद के एक लग्जरी होटल में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिले थे। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी के साथ इस बैठक की सीसीटीवी फुटेज को इनकार कर दिया और कहा कि वह होटल में मौजूद थे, लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत से मुलाकात की थी न कि राहुल गांधी नहीं से। हालांकि हार्दिक का यह संदेश दिखाता है कि कांग्रेस को उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आरक्षण पर कांग्रेस की पेशकश ने पटेलों को न्याय नहीं दिया तो वही यह सुनिश्चित करते हैं कि राहुल गांधी को सार्वजनिक बैठकों में झटका जरूर लगेगा। वीडियो के वायरल होने के बाद हार्दिक पटेल ने सरगासन के एक फार्म हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि वह एक हफ्ते पहले से ही ऐसी सीडी बाहर आने की आशंका जता चुके थे जिससे उनकी बदनामी होगी। भाजपा ने अब तक विवादास्पद सीडी पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी यह इनकार कर दिया कि यह सेक्स सीडी उनके द्वारा लीक की गई थी।